खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां जिला मुख्यालय से 44 किलोमीटर दूर ग्राम भतरवार में धोखे से वृद्ध को नशीला पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया। आपको बता दें, थाना बलदेवगढ़ निवासी लच्छू पुत्र खिता रैखवार का परिवार अधिकतम मजदूरी करने दिल्ली गया था और उसके पिता घर पर अकेले थे। वहीं गांव के महेंद्र सिंह तनय हरबल सिंह ठाकुर ने उसके वृद्ध पिता को बहला फुसला कर खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर धोखाधड़ी से रजिस्ट्रार कार्यालय में ले जाकर रजिस्ट्री करवा ली गई। मामले को लेकर बुजुर्ग खिता रैखवार ने बताया कि इसी गाँव का दबंग महेंद्र सिंह ठाकुर ने उसे टीकमगढ़ ले जाकर एक होटल में खाना खिलाया और धोखे से नशीला पदार्थ भी दिया। इसके बाद जब महेंद्र सिंह ठाकुर रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे तो वहां पहले से ही रजिस्ट्री लिखवा ली गई थी। बुजुर्ग ने बताया, उसे पहले प्रधानमंत्री आवास के नाम पर रजिस्ट्री पेपर पर धोखे से अंगूठा लगवाया गया। आपको बता दें कि जब धोखाधड़ी का मामला हुआ तब खिता रैखवार का पूरा परिवार दिल्ली गया हुआ था। मामले की शिकायत परिजनों ने जनसुनवाई में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को की। वहीं कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जिले के यार इधर टीकमगढ़ इसको कसू खिला पिला जा रहा, तो उन्होंने रेस्टी कावल अपना किस बहाने लिए आए वो इधर? वे बोला थे कि हम तुम्हारा आवास करवा दें। अच्छा, आवास के बहाने लो वाले? आवास के बहाने लगाए तो खाना खुआ था, उन्हें खाना पीना खा कर भी गया हो गए। कहाँ से? बितरवार से। कहाँ लो आ गए थे? रजिस्ट्री का उद्देश्य लो वाले आए। कैसे कहते कहते एक काम करोगे तुम, वो कर दोगे, पैसा मिलेंगी। कितना काय के पैसे? ये तो के मामले में जमीन के मामले में मकान। पिताजी ने बुलाया कि हमने जमीन हमको मैं इनका बनवा दिया, जैसे टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट में उसे खाना खिलाया, हमें खाना खिला के हमारे पिताजी को उन्होंने कुछ दे दिया और रजिस्ट्री का वाले नहीं। हमसे हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। हम तो जब सुनी, जब हम दिल्ली से आए, हम तो कमा खाए, पांच बच्चे हमारे, हम विधवा वैसी है, हम जैसे सुनी, हम जैसे आ गए यहाँ, हमारा घर वाला भी नहीं है, छोटे छोटे पांच बच्चे भी हैं।